रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लाइट चॉकलेट वनीला आइसक्रीम बना ले हैं। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें चाहिए 1/3 कप मिल्क पाउडर, विदाउट कंडेंस मिल्क है ये, और 1/3 कप भी हमें चाहिए पानी। इनको हम मिक्स कर लेंगे कि इसमें लम्स बाकी ना रहे, ना ही गुठलियाँ रहे, तो विस्कर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस आइसक्रीम की खास बात यह है कि आप इसको विस्कर से भी बना सकते हैं। और 1 कप ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम, और इसको मैं बीटर से बीट कर लूंगी 4 से 5 मिनट। लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप विक्सर की हेल्प से भी इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से बीट करें। 4 से 5 मिनट मैंने बीटर से किया, आप 8 मिनट ले लें। और 1/4 कप हम इसमें शुगर, पाउडर शुगर ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से मैं इस तरह से बीट कर लूँगी गेंद से 4 से 5 मिनट। तो अगर आपके पास विक्सर है तो आपने 7 से 8 मिनट कर लेना है। और ये देखें, जो मैंने मिक्सर बनाया था मिल्क पाउडर का, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको भी अच्छी तरह से 2-3 मिनट करके मिक्स हो जाए, जस्ट बीट कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। वनीला है जो इसमें, वनीला को मैंने कम रखा है, उसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिए हैं, जो दूसरे मैंने डिवाइड किया है। मेरे पास है कोको पाउडर। आप डार्क चॉकलेट बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऐड कर देने कोको पाउडर के, क्योंकि मैंने लाइट बनाई है तो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। ये कंटेनर मैंने लिया, इसमें मैंने क्या किया, पहले चॉकलेट आइसक्रीम डाली, फिर ऊपर मैंने हल्की सी वनीला की लेयर लगा दी और ओवरनाइट छोड़ दिया। और ये देखें, मैंने जस्ट वनीला का हल्का सा टच दिया है ताकि खूबसूरत लगे। और ये देखें, इसमें मैंने फॉइल पेपर इसलिए दरमियान में लगाया था ताकि जो ऊपर वनीला की लेयर है वो पूरे पे फैले नहीं और एक साइड पर ही रहे, ताकि कहीं कहीं टच आए उसका। और ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की रेडी हुई है, ये देखें बिल्कुल बाजार जैसी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक के बटन को प्रेस करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी मज़े की रेसिपी अपलोड करूं फौरन नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की रेडी हुई है। तो बस अगर आपने ज़्यादा डार्क करनी है तो कोको पाउडर की मकदार ज़रा बढ़ा लें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी आप लाइक के बटन को प्रेस करेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।